Hi friends, welcome to my channel and as usual the weather is beautiful, beautiful, beautiful. Park mein shayad main I'm the only one I guess. तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना ये मेरा बंगला है और ये मेरा गार्डन है, ऐसा लग रहा है अभी ऑफिशियली. एंड आज भी मैं जल्दी उठी थी, मैंने बोला लेट मी गो फॉर अ वॉक. मैंने बोला नहीं नहीं भाई, आज मैं सुस्ता लेती हूँ. अच्छा मैं एक चीज़ मैं बोलती हूँ ना अबाउट मैन और वुमेन. इफ अ मैन और अ वुमेन एक डिसीजन लेते हैं और वो घबराते हैं उस चीज़ से और बहुत सारा टाइम लगाते हैं, तो हाँ ना करते हैं. सो व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट आई हैव सीन विमेन का है कि वो स्पेल्स करेंगे, वो ना वो ऐसे वशीकरण. मैन ऑल्सो मस्ट बी ऑल्सो डू इट वशीकरण टाइप ऑफ थिंग कि नहीं मुझे यही लड़की चाहिए, किसी और के साथ इन्वॉल्व है एंड देन दे डू स्पेल्स. मैंने बोला इस चोचलेपने को मत करो ये सारी चीज़ें, बिकॉज वो स्पेल के थ्रू वो लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन वो जब स्पेल निकल जाएगा आफ्टर सम टाइम्स मे बी 10 days 15 days 7 days के बाद, ये सारी चीज़ें एक फ्री फ्लो में है तो बेटर है. यू नो कुछ लोग ऐसे मांगना चाहिए भगवान से कि ये इज दिस पर्सन राइट फॉर मी, कि ये पर्सन मेरे लिए राइट है, तो वो खुद ही सामने से आएगा तुम्हें प्रपोज करने के लिए, वो खुद ही सामने से तुम्हें एक्सेप्ट करेगी एज योर पार्टनर. ये मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली कि तुम लोग ये चोचलेपना करना बंद कर दो. ये ना हैंकरिंग बिहाइंड पीपल, आई डोंट नो, मतलब दे आर सो अनकम्फर्टेबल ना, दे हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप, कोई ना कोई सिचुएशनशिप, जरूरी नहीं है. And as I'm saying, if you are an independent, empowered, financially stable, you should be proud about yourself. Matlab, the pride should be inside your heart and it should reflect in your action. I have seen pride and arrogance. वो आ ही जाता है कि मैं खरीद रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ. You should be proud of your skills. You should be proud of your abilities. You know? It should not be your entire work and identity. Yes, it should be your a part of your identity. What I'm trying to say, I feel ki women. I want more women soul sisters watching my channel. I have 80% males and 20% females. I sometimes it was for 50% females. So, mujhe main really encourage. Agar males are watching, please forward this video to your फीमेल काउंटर पावर पार्ट्स और या तुम्हारे फीमेल्स जो भी है तुम्हारे लाइफ में जो भी है उनको भेज दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा. ये वीडियो सिर्फ सबके लिए है, ये सबके लिए, सब एज ग्रुप के लिए है. ये बेसिकली जो भी मैच्योर्ड है समझ सकता है. पहले मुझे इतना स्टूपिड फीडबैक मिलता था, पता है, कोई भी आके कुछ भी. दीज डेज यू नो आई प्लीज़ बुरा मत मानो अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ एक हार्ट और लाइक देती हूँ, क्योंकि एज ए सेड आई एम फार मोर एग्जॉस्टेड और मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. एंड दैट मीन्स आई एम अप्रिशिएटिंग, आई एम रिस्पॉन्डिंग. ऐसे कभी कभी फुल ऐसे पैराग्राफ नहीं लिखती हूँ मैं. तो मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वी शुड लर्न टू कैसे बोलते हैं ना, अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं नेचुरल वाले कंटेंट बना रही हूँ जो मैं अपने दिल से बोलती हूँ. कभी कभी मुझे मैं हाथ थोड़ा पीछे हट जाती हूँ क्योंकि ये लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, तो इज इट ओके फॉर मी टू लिटरली सिट एंड टॉक अबाउट सच थिंग्स, कैसे रहेगा ये चीज़. यू नो कोई भी दूध का धुला नहीं होता है. हैव आई डन मिस्टेक्स, यस मैंने काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं. बींग फैसिनेटेड विद यंगर पीपल देन मी बाई मैनी मैनी ईयर्स, ये मैंने किया. ये इट्स एन ईगो ट्रिपिंग थिंग, मुझे शायद इंटरेस्ट भी नहीं होगा ऐसे कैरेक्टर्स में. मेरे लिए इट मस्ट बी सम दिल बहलाने के लिए एक ऐसे ऐसा होता है. सो इफ एम आई जजिंग विमेन हु आर गोइंग फॉर यंगर मैन, मैंने बोला आई हैव हैड मैन absolutely half my age being fascinated by me. होता है और तुम भी fascinated होते हो because you'll feel proud of yourself कि तुम एक younger person, good looking, dashing person के साथ घूम रहे हो and all that kind of thing. मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था, इससे थोड़ा सा मैं
pretend, I might just pretend to be interested. And when it is gone, it happens even for men. They like something half their age. जब मैंने अपने स्पेशल पर्सन को अटेंशन, बिकॉज ही सच एन इंट्रोवर्ट, और उसको जब अटेंशन मिलती है, हाँ जब उसको अटेंशन मिलती, तो इट इज वी ऑल इन्जॉय अटेंशन, वी ऑल इन्जॉय अटेंशन. या दैट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन, सो वी इन्जॉय अटेंशन. ओके, सो लेट्स नॉट बी हिपोक्रिट्स अबाउट द होल थिंग कि क्यों ये लेडी, स्पेशली अगर मैंने हाउसवाइफ्स को देखा है हैंकरिंग बिहाइंड बॉयज ऑफ देयर सन्स एज और यंगर टू देम बाय मेनी मेनी इयर्स. इनके कपड़े भी धोएंगे, खाना भी बनाएंगे, इनका वो पीजी का घर भी साफ करके देंगे, इनके लिए शॉपिंग भी करेंगे. इतना प्यार तो अपने पति से और बच्चों से भी नहीं करते जैसे इनके ये कैजुअल फ्लिंग्स एंड नोस्टिंग अटैच पे करते हैं. लिटरली बिकॉज वो क्या होता है ना, लेडीज बाय द टाइम दे आर 35-40 पे पहुंच जाती है, तो 40 के बाद तो उनकी बॉडीज फूल जाती है एंड दे फील लेस अबाउट देम सेल्फ. तो उनको थोड़ा बहुत अटेंशन ये लड़के देते हैं क्योंकि उनको एक मम्मी टाइप चाहिए होती है जो उनका सारा काम करे, फुकट में खाना खाने को, गरम गरम घर का खाना, कपड़े, इस्त्री बिस्त्री. फिर ऊपर से ये औरतें पैसे भी देती हैं अपने पति की कमाई की. ये थोड़ा सा आगे पीछे करके, भाभी भाभी करके ऐसे वाले नाटक में खड़ा करते रहते हैं, हो जाता है बिकॉज ये लो सेल्फ एस्टीम रहता है. फिर ये उनका हस्बैंड भी ऐसा पॉजी अगली लुकिंग हो जाता है, क्लमजी लुकिंग हो जाता है. तो ये फैसिनेशन हो जाता है फॉर यंगर बॉडीज, यंगर थिंग की, इनकी सेक्शुअल वायरलिटी भी ज़्यादा रहती है. फिर इनको क्या फुकट का माल खाने की आदत होती है ये यंग लड़कों को, बट इट्स अ फैक्ट. तो जब ये हम किसी सिचुएशन को जज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये क्यों होता है और ये किस लिए होता है. ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. हाँ, अफेयर क्यों किया, दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखा मैंने, पता तुम्हारे सामने वो दूसरी लड़की को शायद नहीं देखता होगा तेरी चक चक बंद करने के लिए. देवी बस भी ओयो के रूम्स बुक करके वहाँ उसके साथ होगा. मैंने कहा है आई हैव बीन विद ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ऑफ मेल कैरेक्टर्स. ये जो जितना नाटक नॉटन की दिखाते हैं, आई लव माय वाइफ और उनके साथ चिपक चिपक के डीपी में सारे सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी चिपक चिपक के यहाँ वहाँ, वो सबसे ज़्यादा होते हैं रियली. सबसे ज़्यादा हरामीपन ये करते हैं. सो इफ़ यूर, मैं खुद भी आई एम नॉट अ वेरी शोई काइंड ऑफ अ पर्सन, इन द सेंस मुझे कोई चिपक चिपक के रहे 24 मैन, गिव मी स्पेस यार. माई पर्सन, मैं बेसिकली ना मेरे फ्रेंड्स की पर्सनल लाइफ में घुस जा, पर्सनल स्पेस में घुस जाती हूँ एक्चुअली. बट जब मेरी बारी आती है, गिव मी स्पेस बोलती हूँ मैं. सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो. अपने आप को अगर कोई तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करे तो अपने आप की वैल्यू भी उतनी रखनी चाहिए. हम अगर हम अपनी वैल्यू उतनी नहीं रखते हैं ना, तो इट डजंट वर्क आउट. आई एम जस्ट स्पीकिंग इन फ्री फ्लो क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आ रहे हैं विच आई वॉन्ट टू स्पीक एंड एड्रेस. हमें फिल्मी बनना बंद करना चाहिए, बॉलीवुडिश कर गए, इडियोटिक और ऐसे ऐसे वाहियात मूवीज़ बनते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. इतना बीवी नंबर वन टाइप ऑफ इडियोटिक हरकतें, बातें, मेक अ कॉमेडी आउट ऑफ इट. नो, इट्स नॉट अ कॉमेडी, इट्स नॉट अ जोक, इट्स There's so much of give and take which is happening in that triangle, you know. कितना ज़्यादा push and pull होता है, क्या dynamic रहता है वो. If you're not comfortable, do you think you'll be comfortable in such a relationship? I have no idea. Unless and until you're also married, another person is also married, और तुम लोग एक open relationship में हो या एक ऐसे clandestine affair में हो तो. और लोगों का मुंह तो चलता रहता है, जो गॉसिप चलेगी उसका तो बात ही कुछ और. नहीं हैंडल कर पाइए फिर लोगों का ड्रामा ज़्यादा. कभी कभी तुम कुछ करते नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना.
अफेयर इज नॉट अ जोक. अगर तुम लोग झेल सकते हो उसको, तुम्हें लगता है कि नहीं तुम्हें वो खुशी पानी है, और तुम्हें ये भी सोचना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस है. अगर एक आदमी एक औरत एक अफेयर में है और दूसरा अफेयर करता है साइमल्टेनियसली, तो उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि इसको भी नहीं छोड़ना है, ये भी चाहिए, चाय भी पीनी है, कॉफ़ी भी पीनी है, डोसा भी खाता हूँ, पिज्ज़ा भी खाता हूँ, यू नो हाउ इट इज़, पिज्ज़ा और औरत भी भेल भी खाऊंगी और भेलपूरी भी खाऊंगी, पानी पूरी भी खाऊंगी, समोसे भी खाऊंगी, फिर उसके बाद जाके बर्गर भी खाऊंगी, यू नो हाउ इट इज़. एवरी हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, खा भी सकते हो, कर भी सकते हो, बट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, उतना ध्यान रखो. व्हाई एम आई टेलिंग दिस सोल सिस्टर्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स, बहुत दिल दुखता है यार, बहुत दिल दुखता है. तुम नहीं झेल पाओगे उस चीज़ को, नहीं ही झेल पाओगे किसी. और आ मैरिड मैन को सिंपती देके, सिंपती दे दो, क्या है, सिंपती तो है, एंड ऑफ द डे इज ही विथ यू. सो वही मैं कहती हूँ कि लेट अस रिलैक्स इन लाइफ. मेरे सामने हॉक्स है शायद से, पता नहीं हॉक ने, हॉक के कजन ब्रदर, छोटे भाई टाइप कोई तो होते हैं ना, वो बहुत सारे हैं यहाँ पर. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे. चलो जस्ट